सच्चा बोले ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त हम हजवेरी हॉस्टल में मौजूद हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वादत रोड पे। तो हुआ ये है कि जमीयत वालों ने नजायज़ हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई की है और हम पे FIR भी दर्ज करवा दी है और हमें मुकैद करके रखा हुआ है यहाँ पे हॉस्टल में। ना हम बाहर आ सकते हैं ना जा सकते हैं। पुलिस भी हमारी जो है कोई मदद करने को नहीं आ रही है। हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि हॉस्टल में लड़के अपने कमरों में बंद हैं, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो काइंडली हमारी ये दरख्वास्त है कि सोशल मीडिया पर इसे वायरल किया जाए और हमारे हक़ के लिए आवाज़ उठाई जाए। कब तक हम लोग इस तरह जिएंगे? कब तक हम लोग इनकी जो है डैशबाजियाँ सुनेंगे? शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दिलावर अली है जी। मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस बागर रोड लाहौर का तालिब इल्म। असी कल पढ़ रहे हैं, कल पेपर दे के आए हैं मिड डे, एक डेढ़ का टाइम सी। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस इसमें जमीयत है, इस्लामी जमीयत तलबा के नाम की तंजीम है। ये साढ़े ने लड़ाई की थी बिना किसी वजह से, अपने चुदराहट दिखा रहे हैं कि असी है, असी मालक है इस कॉलेज। इन्ना साढ़े ना बड़ी जुर्म गलती की, असं अजमेरी होस्टल के रहे हैं, ये होस्टल साइंस कॉलेज के ही है। जिन्हें साढ़े मुंडे जिन्हें भी आए उस टाइम सारे एक फट के वो मारिया, क्योंकि बयान नहीं किया जा सकता। डंडे गार्ड जो इन्हें बुलाया इन्हें, असी अपना दिफा किया, तो असी कमर के अंदर तक असी अपने आप न मुकीर की, दरवाजे बंद ने साढ़े, जालियाँ बंद, इन्हें दरवाजे तोड़े नहीं साढ़े, और जालियाँ फाड़ के सानू उपरों नीचे इन्हें लंकाया, नीचे इन्हें गिराया। और एक 10 बंद ने मेरे बाजू पकड़े ने, 5 बंद मेरी लत्तें फट के मेरे इन्हें मारे, डंडा मारे, गार्ड मारे, उस बाद मेरे थोड़ा पानी पा दे रहे मार के मैंने, और मेरे को पूरे कॉलेज ने चक्कर लगवाया। DSP भी मौजूद है पंजाब पुलिस कॉलेज के बीच, उन्हों की तरफ तो कोई रद्देअमल नहीं हुआ। उन्हें अपनी प्रोटेक्शन की, मगर उन्हें को कोई काम कंट्रोल होया ही नहीं। प्रिंसिपल ने बुलवा के DSP हुंदिया उन्होंने हॉस्टल का गेट का ताला करवाया, खुलवाया, और अंदर आए ने और उन्हें साढ़े से हमला किया, और कुत्तियां तो वध ने सानू मारिया। साड़ी आहो पुकार दूर दूर तक जाती रही, मगर असी बड़ी बड़ी जगह कॉल की 1-5 बड़ी बड़ी की, मगर सानू किसी तो कोई सानू नहीं आई है। 1-5 से कॉल कर, 1-1-2 कॉल करने से एम्बुलेंस बाहर कॉलेज के गेट से आ रही थी, अगो एंट्री नहीं सी होने दें। जनाब हॉस्टल नाजम सानू उत्थे कॉलेज नाजम साहब पिस्टल ने गोलियां गोलियां मार डरा रहा, सानू पैर मारना चाहता है, पैर मारना चाहता है, इलाका अस्ती है। उत्ते आओ सारे, उत्ते आओ, उत्ते आओ यार सारे, 1-5 कॉल कर दियो। हम बात कर रहे हैं साइंस कॉलेज से, हजवेरी हॉस्टल से। ये देखें, ये जमीयत ने अटैक किया है हम पे, और हम अपने रूम्स में कैद हैं यहाँ पे। ये मेरे भाई खड़े हैं यहाँ पे, और हम अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं दरवाजे पे पुश करके कि अंदर ना आ सकें। उनके पास पिस्टल है और शीशा और डंडे हैं, और हम यहाँ पे बड़ी मुश्किल से ख़ुद को डिफेंस किए हुए हैं, और हमारे काफ़ी बंदे पर ज़ख्मी भी हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी इम्कान है इस बात, क्योंकि वो बाइट थे और उनके अटैक हुआ है। और हम यहाँ पे बड़ी मुश्किल से ख़ुद को डिफेंस कर रहे हैं, और पता नहीं इसके बाद क्या हुआ। हमने काफ़ी कॉल्स किए हैं पुलिस को, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पाया। वही कहते हैं कि जी हम भेज रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल तक कोई चीज़ भी अभी तक नहीं आई। ये देखें, और ये अभी बाहर से आवाज़ें भी आ रही होंगी आपको, नारे लगा रहे हैं बाहर वो,
और ये इस्लामी जमीयत तलबा जो बरए नाम इस्लामी जमीयत है उसके काम है ये।